टेक्निकल इन्वेस्टमेंट के बारे में पांच बात में बात करेंगे कि भाई इनडोर ट्रीटमेंट होता है, आउटडोर होता है, कहाँ ले सकते हैं कहाँ नहीं ले सकते, तो सबसे पहले तो यही कि हॉस्पिटल पैनल में हो तो हमारे हमें जो है पी जी आई प्लस रिमेनिंग अमाउंट का 75 मिल जाता है। मोस्टली पी जी आई प्लस रिमेनिंग अमाउंट के 75 पे है, पहले होते थे पी जी आई पे कल्याण वगैरह नहीं जो को क्या हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे तो पूरा मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम उस साइड पे भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये है तो कहाँ दिखाना है हमें, तो सबसे मेन बात बताने की ये थी कि हम कहीं भी ओपीडी में दिखाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में तो सरकार के पैनल पे है, तो हमारे एक आई कार्ड बना रखा होगा, नहीं बनवा रखा है तो बनवा लो अपना, कहीं भी नहीं प्राइवेट दुकान में तो बनता है अपने वीडियो से करा, तो अगर आप वो आई कार्ड दिखाओगे तो उनकी सरकार के साथ जो है ना बाध्यता है कि वो आपसे, जैसे वेदांता है, वेदांता में 500 रुपये फीस है, अब अगर आप अपना जो आई कार्ड वहाँ दिखाओगे तो आपको 900 रुपये 600 रुपये डिस्काउंट ऐसे टेस्टों में, लेकिन हम आमतौर पर क्या करते हैं गए ओपीडी को दिखाया वो फीस है, वो फीस है, तो अपना आई कार्ड वहाँ हम दिखाएंगे तो हमें टेस्ट में भी छूट है, जो सरकार के साथ उनका MOU है तो भी जैसे मैं बता रहा हूँ 1500 रुपये फीस है तो 900 रुपये देते हैं सरकारी कर्मचारी, ऐसे ही कोई टेस्ट है टेस्ट में भी, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कभी हम उनको नहीं करते, हम सोचते हैं कि इंडोर इंडोर में शायद ये बेनिफिट है तो आउटडोर में भी है, जो ओपीडी में हम जब भी दिखाते हैं तो हम अपना हमेशा आई कार्ड प्रोड्यूस करें, दूसरा कभी हमें हॉस्पिटल में जब भर्ती होना पड़े तो वहाँ उन्होंने सॉफ्टवेयर डाल रखा है कि हमें वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले उनको बताना है अपना वो आई कार्ड देना है तो बिजली करने उसके अकॉर्डिंग होंगे, एक हम मान लो वहाँ गए और एडमिट हो गए, हमें प्रोड्यूस नहीं किया, हम सोचते हैं कि भाई वो बना